अम्मा बेटा क्या हुआ? अगर मेरी गफ्फार से शादी नहीं करवाई तो मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, बर्बाद हो जाऊंगी, सिर फोड़ लूंगी अपना और टांगे फैला दूंगी। बेटा ऐसे टांगे नहीं उठाते हैं, तुम हमारी अच्छी बच्ची हो, गंदी बच्ची नहीं हो। अगर गफ्फार तुमसे मोहब्बत करता है तो हम शादी कराएंगे, बताओ। पापा प्यारी तो नहीं करता, बाकी तो सब कुछ करता। अरे बेटा ऐसे शादी नहीं होती है, ये कोई गुड़िया गुड्डों का खेल थोड़ी है। जो शादी हो जाएगी, जब तक दो दिल एक साथ मेल नहीं खाएंगे तब तक शादी नहीं होने की है। दिल? पापा गफ्फार ने तो बोला दिल मिले ना मिले, शादी के लिए जिस्म मिलने चाहिए। ये तो उसने गलत बोल दिया, मेरी बेटी को फांस दिया। नहीं, मेरे साथ धोखा किया है, मैं मर जाऊंगी, मुझे गफ्फार से ही शादी करनी है। अरे ये गफ्फार हो गया या मेरठ की मसूर नान खटाई हो गई कि चाहिए तो चाहिए? पापा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे गफ्फार से ही शादी करनी, अगर नहीं कराई ना मैं जहर खा लूंगी। अरे रुक जा भाई, एक मिनट रुक तो सही। हेलो हेलो सरपंच साहब। हाँ जी, बात कर रहा हूँ मैं नन्हे ठेकेदार आपके मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। अरे एक पंचायत जुड़वानी थी हमें। अबे छड़िया कोई है, पंचायत है, पहले सिलसिला बता क्या है। अरे वो हमारी लड़की के साथ एक लड़का ना एक साल से शादी का झांसा देके उसके साथ रह रिया। अच्छा रह रिया था या कुछ कर रिया था? अरे कुछ कर भी दिया दिखे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, पंचायत लग जाएगी, टेंशन मत लो। एक चाय लगा दियो भाई। तू ये ना गफ्फार? हाँ मैं ही हूँ। चल तुझे सरपंच साहब ने बुलाया पंचायत में। क्यों, तू कौन है? मैं सरपंच का बॉडीगार्ड झिलमिल सिंह। आजा कह दिया, अभी टाइम ना मेरे पास। अबे बीजी के लिए तू खाली तो बैठा, चलना। मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ बिनोमो ऐप पर। बिनोमो ये क्या है? बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो, और सबसे अच्छी चीज यहाँ पहले डिपॉजिट पे मिलेगा 50% का बोनस। अच्छा, और सबसे अच्छी चीज ये देखो, अगर आप यहाँ जाकर किसी अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं और वो रेफर करता है तो आपको मिलेंगे $10 से $20। अबे ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसे यूज कैसे करूँ? बहुत आसान है, यहाँ देखो। अब आप जैसा देख सकते हैं, जैसे कि इसमें ग्राफ होता है, हमें प्रिडिक्शन करनी होती है कि ग्राफ अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर हमारी प्रिडिक्शन सही होती है तो हम करेंगे पैसा। मैंने लगाई है 5 सेकंड वाली ट्रेड, अब मैं जैसे अप पर क्लिक कर दूंगा, अब हमें बस वेट करना अपने रिजल्ट का। ये देखो मेरा प्रॉफिट हो गया। और सुनो सबसे अच्छी बात, यहाँ आप क्लिक करके डिपॉजिट भी कर सकते हैं पेटीएम, यूपीआई, फोन पे और भी बहुत सारी चीजों से। अबे ये तो बढ़िया चीज है गफ्फार, लेकिन इसे डाउनलोड कहाँ से करूँ? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डाउनलोड करो। और हाँ, हमारा रेफर कोड जरूर यूज करना, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। चल ये तो ठीक है, इसे तो मैं डाउनलोड कर लूंगा, लेकिन पंचायत में टाइम से पहुंच जाइए, मामला बहुत गंभीर है। अच्छा भाई। अबे क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? मुझ पे इतना टाइम नहीं है, इस झांट भाई झांट की पंचायत में आऊंगा मैं, मुझे बहुत काम रहते हैं। रुक जा, अभी पता चल जाएगा। आ रहे हैं सरपंच साहब, अभी तेरा फैसला करेंगे। किस बात का फैसला? जो तूने मेरी बेटी की जिंदगी खराब करी है उसका फैसला। खराब? अबे इसकी जिंदगी के मजे दिलाए इसे टनाटन एकदम, खराब कह रहे हो इसे? पापा रुक जा बेटी, टेंशन मत ले, सरपंच साहब आ रहे हैं, वो करेंगे इस चीज का फैसला। हाँ तो बुला लो सरपंच साहब को भी। सरपंच साहब ऑल क्लियर है, आ जाओ। नन्ने बहू कहाँ है आजकल?
अरे यार सरपंच साहब, वो तुम्हारी भाभी ना थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, तो घर पर ही है आजकल। अच्छा अच्छा, चलो किसी दिन घर ही पे निपटा देंगे, और क्या। ये है आपकी बेटी है? हाँ ये सरपंच साहब, इसने इसके साथ बहुत गलत करा, काफी रसीली है। अरे सरपंच साहब, बस बाहर से ही लग रही है रसीली है, अंदर से चुस हुई है पूरी। सरपंच साहब झूठ बोल लिया ये, आज भी लोग मुझे मलिका सराफत कहते हैं। सरपंच साहब एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बताओ। तुम ये फैसले लड़की बाजी के करते हो और फैसले भी करते हो? नहीं नहीं, अपना तो बहुत सारा काम है, जैसे चेक बाउंस होना, 3 तलाक का मुकदमा और फौजदारी लेन देन, बकरे का पेशाब खोलना, छोटे लिंग को बड़ा करना। है? बड़ा भी हो जाएगा 100%। हमने ना करा अपना बड़ा, ले दिखाऊं? छी यार सरपंच साहब, तुम कहाँ की बातें कर रहे हो, जिसलिए तुम्हें बुलाया वो काम तो कर लो, हमारी लोंडिया की पंचायत जोड़ो। हाँ हाँ यार नन्ने भाई, रुको तो सही, तुम तो अपनी बहू की तरह आफत काटते हो, वो भी ऐसी है, उसे भी एकदम चाहिए हर चीज। चलो बताओ क्या कहना चाहते हो। ये जो लड़का है, इसने हमारी बेटी को 1 साल से झांसा दे रखा कि शादी करूंगा, और गलत काम कर रिया। अरे है भाई। अरे ना ना सरपंच साहब, देखो हमारा मानना ये है, अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो इनकी लड़की क्यों करवा रही है, और हंस हंस के करवा रही है, संस्कार ये ले रही है, कहां से गलत करा हमने। अरे छिनाल हो रही है पूरी। आओ ये, हमें तो इसमें लड़के की कमी लग रही है, लड़का झूठ बोल लिया थी क्या। अबे हट, सारी कमी लड़की की है यार, वैसे तो हमें देखने में लग रही छिनाली। अरे हमें क्या जरूरत पड़ी है, सरपंच जी अपना फैसला करेंगे। देखो सरपंच साहब, लड़का मुझे सकल से ही बेगुनाह लग रहा है, इसकी तरफ फैसला सुला दो। देखो भाई, जहां बात लड़की और लड़के के केस की आती है, तो जाहिर सी बात है हर कोई लड़की के पक्ष में खड़ा होता है। तो मैं अपना फैसला सुनाने से पहले बता दूं, मैं भी लड़की के पक्ष में ही हूं। कितना दोगला सरपंच है भाई, है ना। तो नन्ने भाई आप मुझे ये बताइए, अब आप क्या चाहते हैं। देखो सरपंच साहब, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, हमारी लड़की इस लड़के से प्यार करती है और शादी करना चाहती है, आप इसकी इससे शादी करा दो और मुझे एक फॉर्चूनर, 50 तोले सोना और 50 लाख रुपए, बस ये दिलवा दो। तो इस हिसाब से मुंह में कितनी बार लोगे? मैं मुंह में क्यों लूंगा भाई, और कौन लेगा फिर। बात अगर फॉर्चूनर की है तो हमारे मुंह में दे दो, लेकिन हाँ कलर जेट ब्लैक लूंगा। साला गंडी बॉडीगार्ड। देखो भाई नन्ने भाई, हम लड़के पे इतना जोर नहीं डालने देंगे कि तुम्हें फॉर्चूनर भी चाहिए, 50 लाख भी चाहिए और सोना भी चाहिए। बात अगर प्यार मोहब्बत की है तो सिर्फ शादी करा सकता हूँ। सारी सरपंच गिरी तेरी कान में घोंट दूंगा, मैं क्यों करूँ इस छिनाल से शादी। बॉडीगार्ड दुई लगाओ साले के, सरपंच से ऊंची आवाज में बात करी। सरपंच साहब अपने आप देख लो। हाँ भाई तुम क्या चाह रहा हो। अरे मेरी मजबूरी है, कुछ जो नहीं कर पा रहा मैं शादी, मेरे बाप से बात करनी पड़ेगी, मैं लूंगा क्या फैसले ये वाले। हाँ तो सरपंच साहब इसके बाप को यहाँ को बुलाओ, हमारी लोंडिया की शादी करवाओ इससे। हाँ पापा बुलाओ गफ्फार के पापा को, शादी में इसी से ही करूंगी, वरना जीप काट के मर जाऊंगी। अरे मेरी खरगोश नहीं, चुप जा, सरपंच साहब बैठे दो, ये करवाएंगे ना तेरी शादी, सरपंच साहब करवाओ। हाँ भाई तो फिर अपने बाप को बुलाओ, पापा तो घर पे हैं। चलो भाई जब फैसला सुनाना है ही तो घर सुनाओ या यहीं सुनाओ, बात तो एक ही है, आखिरकार हम तुम्हारे सरपंच हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अपने अपने घरों के बच्चों का ध्यान रखो, चाहे वो लड़की है या लड़का। नन्ने भाई तुम्हारी लोंडिया है ये, माँ कसम अगर मेरी होती ना तो गर्दन काट देता, क्योंकि इज्जत कमाई है और इज्जत से प्यारा कुछ नहीं है। चलो आ बेटे घर को लेके चल। आइए बैठिए सरपंच साहब। पापा, अरे सरपंच साहब आए हैं पापा। अरे अरे सरपंच साहब, आज इस गरीब के घर पर कैसे आ गए। अरे यार बस एक हमें फैसला करना है, तो तुम्हारा लोंडा यहाँ को ले आया घर पे, कह रही आगे पापा पंचायत बनाएंगे घर पे ही चलो। मैं कहा चलो भाई चल रहा है, वरना मैं तो इस घर पे मुंह दूं भी ना। वो तो ठीक है सरपंच साहब, लेकिन मामला क्या है। देखो जी मामला ऐसा है, आपका जो बेटा है ये, इसने पिछले 1 साल से इनकी बेटी को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत हरकतें की हैं, जिससे कि लड़की खुशी खुशी करती रही, लड़की को लगा शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपका बेटा मना करने लगा, तो लड़की ने गुस्से में आकर जहर खाने की कोशिश की और बाप ने देख लिया,
बाप ने तुरंत मुझे फोन किया, पंचायत बिठाई और लड़की और लड़के की शादी की मांग की। तो इसके सिलसिले में हम आपके पास आए हैं, हमें आपकी रजामंदी चाहिए। लड़की ये है, लड़का ये है, इन दोनों का ब्याह करा दो। क्यों बे सुअर, तुझे इसी दिन के लिए मैंने पैदा करा था? देखो सरपंच जी, इन दोनों की मैं शादी तो करा दूं, लेकिन मेरी एक मजबूरी है, मेरा एक बड़ा बेटा और है, बेटे अब्बास। हाँ अब्बा। ये इधर आओ, देखो ये है हमारा लड़का, ये भी एक लड़की से प्यार करता है, पहले हम इसकी शादी करेंगे। हाँ हाँ क्यों ना, अरे तुम दोनों की शादी एक ही दिन निबटवा दो। एक दिक्कत है ना, अभी लड़की के घर वालों से हमने बात नहीं की है, क्या पता वो माने या ना माने, लेकिन हमारा लड़का बहुत प्यार करता है उस लड़की से। अरे मानेंगे कैसे ना यार, दो प्यार करने वालों को रोकता होगा, कोई नामर्दूत ही होगा, बंदर होगा, टट्टू होगा, जो प्यार करने वालों को अलग अलग करेगा। कौन है उसके परिवार हमें बताओ, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं करूँगा उसके बाप से बात, हम कराएंगे तुम्हारे दोनों लंडों का रिश्ता। बेटे तू बता कौन है उसका परिवार? सरपंच जी, आपकी छोटी वाली बेटी है। बहन के लोड़े, तुझे मेरी लोंडिया ही मिली। पापा सही जगह काम डाला ना। तो फिर सरपंच साहब रिश्ता पक्का समझूं? पापा मेरी शादी। रुक जा बेटा रुक जा। सरपंच साहब यार हमारी बेटी का तो फैसला करवा दो, इसकी शादी करा कर हाथ दो यार। अरे यार नन्ने भाई, तुम्हारी बेटी का तो फैसला हो ही जाएगा, पहले अपनी बेटी का तो फैसला करवा लूं। सरपंच साहब मेरी बेटी का फैसला कर दो। फैसला तो कर देंगे, ये बताओ बहू कहाँ है तुम्हारी? आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और सबसे ज्यादा जरूरी बात सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये जो लाल बटन आ रहा है इसे दबा दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो, और वीडियो को लाइक जरूर करो। सबसे ज्यादा जरूरी तो सब्सक्राइब करना ही है, और वीडियो को लाइक करना है, और उसमें कमेंट करके बताओ कैसी लगी सभी।